भाई अभी मेरी इस बात को थोड़ा एग्री करोगे कि एक्शन मूवीज के अंदर जो एक्शन दिखाया जाता है कुछ हद तक फेक होता है। मतलब भाई अगर असली दुनिया के अंदर लड़ाई होती तो उसका सीन कुछ अलग ही होता, अलग ही तरीके से हो रही होती है। लेकिन भाई वॉर मूवीज के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके अंदर जो एक्शन सीन दिखाए जाते हैं बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते हैं। तो इस वीडियो के दौरान सात ऐसी मूवीज रिकमेंड करने वाला हूं जिनके अंदर भाई बहुत ही तगड़ा वॉर एक्शन देखने को मिलेगा, भाई बहुत ही सारा खूनो खान देखने को मिलेगा। हालांकि वॉर अच्छी बात नहीं है, लेकिन वॉर के ऊपर बनी हुई मूवीज काफी अच्छा एंटरटेन करती थी हमको। खैर तो ज्यादा इंटरव्यू बात दिखाते सीधे लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली मूवी अमेरिकन स्नाइपर जो कि 2014 के अंदर आई थी, और भाई असली कहानी के ऊपर बेस्ड मूवी है बिल्कुल। इस मूवी के अंदर हमको दिखाई जाती है क्रिस काइल नाम के एक इंसान की कहानी जो कि एक नेवी सील स्नाइपर हुआ करते थे। इन्होंने अपने करियर के लिए अपने देश के लिए बहुत सारे लोगों को मारा होता है, करीब 150 से ज्यादा लोगों को मारा होता है, और बहुत सारे अलग अलग बैटल फील्ड के अंदर काम कर रहा होता है। फिर कुछ सालों तक अपनी सर्विस देने के बाद ये बंदा अपने घर जाता है। भाई बंदा घर तो पहुंच जाता है फिजिकली, लेकिन भाई मेंटली वॉर के अंदर ही होता है। उसका दिमाग उस वॉर के अंदर जो उसने देखा वो सब भूलने के लिए राजी नहीं होता। इन्होंने भाई बहुत बहुत भयानक चीजें देखी होती है, बहुत क्रुएलिटी देखी होती है इंसानियत की, जो कि वो भूलने के लिए राजी नहीं होते। भूलने की कोशिश तो कर रहा होता बंदा, लेकिन भूल नहीं पा रहा होता। तो भाई बंदे का जो ट्रॉमा होता है ये दिखाने की कोशिश मूवी के अंदर कि एक वॉर एक इंसान के साथ क्या कर देती है, जिस मूवी के अंदर भाई बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। काफी खूबसूरत मूवी है, काफी डीप मूवी है। एक सीन है भाई इस मूवी का जो मैं भूल नहीं पाता हूँ। ब्रैडली कूपर की बीवी उसको फोन करती है और उससे उसके हालात पूछती है, तो भाई ब्रैडली कूपर कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, सही से बात भी नहीं कर पा रहा होता, और भाई अचानक से रोने लग जाता है। भाई वो सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगा था मेरे को पर्सनली। और ब्रैडली कूपर की एक्टिंग इस मूवी के अंदर भाई सबसे बेस्ट है, अब तक की जितनी मूवीज है ब्रैडली कूपर की उनमें सबसे ज्यादा फाइनेस्ट इसके अंदर ही देखने को मिलती है। तो ये वाली मूवी भाई एक बार जरूर देखना अभी तक नहीं देखी तो, और यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है पर्ल हार्बर और 2001 के अंदर आई थी। भाई ये भी असली इवेंट्स के ऊपर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर 1941 के अंदर जापान ने अपनी एयर सर्विसेज का इस्तेमाल करके यूएस के ऊपर एक मिलिट्री अटैक कर दिया था। इस मूवी के अंदर उस अटैक से पहले की कहानी और उस अटैक के बाद की कहानी दोनों दिखाई जाती है। तो मूवी भाई डेफिनेटली एक मस्ट वॉच तो है ही, लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी दिक्कत ये कि लंबी बहुत है और इसके अंदर ड्रामा बहुत ज्यादा है। अगर क्रेडिट वगैरह को निकाले तो करीब करीब 3 घंटे की मूवी है भाई। तो अगर आप उसकी लेंथ मैनेज कर सको और आप ड्रामा देखना चाहते हो वॉर मूवीज के अंदर तो ये वाली मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आप 3 घंटे की लेंथ मैनेज नहीं कर सकते तो बेहतर रहेगा उसको आप स्किप कर दो। लेकिन अगर उसको देखना कंसीडर करने वाले हो तो भाई ये आपको किसी ओटीटी पे नहीं मिलेगी, तो आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। भाई ये वाली मूवी जब देखी थी भाई सही में ऐसा लगा था कि जब वॉर होती तो हकीकत में सारी चीजें ऐसी करके दिखती होंगी और शायद भाई कभी देखने को ना मिले हम लोगों को किसी को भी देखने को ऐसी चीजें ना मिले। बहुत ही ब्रूटेलिटी देखने को मिलती है इसके अंदर। इस मूवी का नाम है फ्यूरी और भाई 2014 के अंदर आई थी वाली मूवी। भाई इस मूवी के अंदर छोटी सी बटालियन होती है जो कि एक टैंक के सहारे जर्मनी के अंदर घुस जाती है। अमेरिकन सेना होती है, 1945 का टाइम दिखाया था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है। तो भाई छोटी सी बटालियन को मिशन मिला होता है जहां पे इनको एक जगह पहुंचना होता है, जर्मनी के अंदर से होकर जाना होता है। मतलब भाई वो जगह उनकी जर्मनी में ही होती है। तो डॉन जो उनका लीडर होता है जो उस बटालियन को लीड कर रहा होता है वो कैसे तैसे उस टैंक को लेकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन भाई दिक्कत तब हो जाती है जब इनकी टैंक खराब हो जाती है। ये टैंक ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दुश्मनों को पता चल जाता है और सामने 300-400 लोगों की फौज खड़ी हो जाती है। अब इनके पास सिर्फ एक टैंक है और 5-6 लोग कैसे कोशिश करते हैं उस पूरी मिलिट्री से बैटल करने की, ये इस मूवी का देख के जानो। भाई उन लोगों का जो जुनून होता है वॉर करने का भाई मूवी के अंदर गजब का दिखाया है। भाई इस मूवी से आपको कुछ मिले ना मिले आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी, जुनून जरूर मिलेगा अपने देश के प्रति। ऐसे वॉर मूवीज देख के हमको एहसास होता है कि जो फौजी होते हैं किस तरीके के हालातों से गुजरते हैं, तो वो चीज़ भाई इस मूवी के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से दिखाई गई है, जिसकी वजह से फौज की और देश की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है नजर में। तो ये वाली मूवी भाई एक बार जरूर देखना, बहुत ही डीप मूवी है, बहुत ही खूबसूरत है, काफी ब्रूटल एक्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर और बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग भी। मैं ये मूवी भाई आपको एक बार जरूर देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी और उससे भी अच्छी बात कि हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। वैसे दोस्तों वर्ल्ड वॉर से एक और मूवी याद आ गई जिसके बारे में बता देता हूं, हालांकि इस लिस्ट के अंदर मैं इंक्लूड नहीं करा उसको क्योंकि मैं इस मूवी को पिछली वीडियो के अंदर इंक्लूड कर चुका हूं, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर इसको स्किप करते हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम बता देता हूं क्योंकि हो सकता है आपने वाली वीडियो नहीं देखी हो। तो इस मूवी का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और ये 2022 के अंदर आई थी। इस मूवी के अंदर काफी यंग बंदा होता है जो कि वॉर में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, सोचता है कि जब वॉर में चला जाऊंगा तो मैं मर्द बन जाऊंगा, लेकिन मैं वहां पे पहुंचने के बाद उसकी बिल्कुल फटके हाथ में आ जाती है। जो चीज देखता है वह जिस तरीके से ब्रूटलिटी देखता है, एक इंसान दूसरे इंसान को कितनी बेरहमी से मार देता है भाई, ये चीज जब वॉर के अंदर देखता है तो भाई सेम उसके भी तोते उड़ जाते हैं। और यही चीज हमको उसके नजरिए से एक्सपीरियंस कराई जाती है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसी कैसी हालत थी फौजियों की। तो ये मूवी भाई एक बार जरूर देखना, अभी तक नहीं देखी है तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और इस मूवी का नाम है ब्लैक हॉक डाउन और ये 2001 के अंदर आई थी। भाई इसके अंदर भी भाई बहुत ही ज्यादा खूनम खान देखने को मिलेगा, इंसानों के भाई चीथड़े तोड़ते हुए देखेंगे इस मूवी के अंदर, बहुत ही ब्रूटल वाला वॉर एक्शन। और भाई इस मूवी को ज्यादा इंटेंस ये बात बना देती है कि असली इवेंट्स इंस्पायर्ड है भाई मूवी। कहानी की बात करते हैं मूवी की थोड़ी सी, तो मूवी के अंदर एक सोमाली नाम का इलाका दिखाया जाता है और उससे करीब थोड़ा दूर 150 फौजी अपनी कैंप लगा के रह रहे होते हैं। तो भाई उन फौजियों को अचानक से खबर मिलती है कि दो वॉर लॉर्ड है जो उस लोकेशन पे रह रहे हैं सोमाली के अंदर। उनके पास लोकेशन आ जाती है, उनको मिशन दिया जाता है कि उनको उस वॉर लॉर्ड को पकड़ना है। अब भाई फौजी लोग उसको काफी हल्का मिशन समझ रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि जाके बंदे को ले आएंगे, लेकिन भाई सोमाली के अंदर जरा से घुसे होते हैं कि उनके ऊपर हो जाता है अटैक। जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है, जो जमीन पे चल
रहे होते हैं उनके ऊपर गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती है। अब भाई 150 फौजी क्या उस वॉरलॉर्ड तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, ये इस मूवी को देख के जानू। इस मूवी के अंदर भाई सही में बहुत खून खान देखने को मिलेगा, बहुत ही ब्रूटल एक्शन देखने को मिलेगा। ये मूवी आप सोनी लिस्ट पे देख सकते हो और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और इस मूवी का नाम है हैक्सॉ रिज और ये मूवी भाई 2016 के अंदर आई थी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई है डेसमंड डॉस नाम के इंसान की, जो कि काफी रिलीजियस बंदा होता है, उसको वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भेजा जाता है। अब भाई बंदा बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होता है, बहुत ज्यादा मानता है कि लोगों को क्रूएलिटी नहीं करनी चाहिए। तो ये बंदा उस वॉर के अंदर लोगों को बोल देता है, अपने सीनियर्स को बोल देता है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी पर गोली नहीं चलाऊंगा, किसी इंसान पर गोली नहीं चलाऊंगा, किसी को मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। अब भाई कोई इंसान ऐसा कहे भाई वर्ल्ड वॉर में भेजा हुआ इंसान, उसका क्या हाल होगा? इस मूवी को देख के जानो। भाई बता दूं कि असली कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है, जिसकी वजह से मूवी डेफिनेटली देखने लायक बन जाती है। बहुत ही रियलिस्टिक मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मूवी है, बहुत ही डीप मीनिंग के साथ आती है। लेकिन भाई इतनी अच्छी मूवी होने के बाद भी फिलहाल किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है, तो अगर आपको देखनी है तो इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और भाई ये मूवी बवाल चीज है सही में, इनग्लोरियस बास्टर्ड नाम है इस मूवी का। ये मूवी 2009 के अंदर आई थी। भाई इसके अंदर ऐसा ऐसा खून खान दिखाया ना कि मतलब खुद को दर्द महसूस होने लग जाएगा कुछ सीन्स के अंदर। अब इस मूवी की कहानी के बारे में थोड़ा बात करें तो इसके अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड का जमाना दिखाया हुआ है और कुछ जूश यूएस सोल्जर्स होते हैं जो कि नाजी लीडर्स को मारना चाह रहे होते हैं। अभी कैसे मारते हैं ये तो पूरी मूवी के अंदर दिखाया जाता है। भाई इस मूवी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां और कैसे सब एक साथ मिलती हैं शुरुआत में समझ नहीं आता, लेकिन जैसे मूवी देखते हुए जाओगे सब समझ में आने लग जाएगा। इसके अंदर खून खान बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी, खौफ देखने को मिलेगा, ब्रूटलिटी देखने को मिलेगी। भाई मतलब भाई एक सीन बताता हूँ जिसके अंदर लोग एक दूसरे की टांगों के बीच में गोलियां चला देते हैं, मतलब भाई सोच के देखो कितना ज्यादा खून खान हो गया होगा, दर्द तो हुआ ही होगा। तो ऐसे भाई इस मूवी के अंदर बहुत सारे सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनकंफर्टेबल कर देंगे। तो इस मूवी के बारे में इसे ज्यादा कुछ बताना ज्यादा सेंस बनता नहीं है, और सबसे ज्यादा इस मूवी के अंदर ब्रैड पिट की जो एक्टिंग है भाई गजब की। तो ये मूवी भाई एक बार जरूर देखना, हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से। और ये मूवी अगर आपको देखनी है तो आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और ये वीडियो की आखिरी मूवी होने वाली है, तो भाई बेस्ट मैंने बचा के रखी है एंड के लिए और काफी ज्यादा चांसेस है आपने इस मूवी को ज्यादातर देख ही रखा होगा अगर आप वॉर मूवीज देखने का शौक रखते हो। तो इस मूवी का नाम है सेविंग प्राइवेट रायन और 1998 की मूवी है। भाई वॉर मूवीज के अंदर इसका मूवी का नाम है। इस मूवी के अंदर भाई कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि भाई दुश्मन की बॉर्डर के अंदर जाते हैं अपने एक दोस्त को बचाने के लिए, अपने एक फौजी को बचाने के लिए, और उस फौजी का नाम होता है रायन। अब रायन की फैमिली में सिर्फ रायन नहीं बचा होता, उसके जितने भाई होते हैं सब शहीद हो गए होते हैं। तो उन फौजियों को ऑर्डर दिया जाता है कि रायन को बचा लाओ, उसकी फैमिली से कम एक इंसान तो घर पे वापस लौटे। अभी छोटी सी टुकड़ी जो होती है रायन को बचाने जाती है, अभी रायन को बचा पाती है या नहीं इस मूवी को देख के जानो। भाई इस मूवी के अंदर सही में भाई इमोशंस भरे पड़े हैं इस मूवी के अंदर। भाई अगर आपको वॉर एक्सपीरियंस करनी है, मतलब वॉर कैसी हकीकत के अंदर होती है, साथ ही जो जितने सोल्जर होते हैं वो सारे इमोशन जो फील कर रहे होते हैं, भाई ये मूवी उस चीजों को भाई बहुत परफेक्ट तरीके से कैप्चर करती है। अपने में काफी पॉपुलर क्लासिक है, लोगों ने बहुत ज्यादा देखी होगी, तो जाहिर सी बात है काफी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी है, मस्ट वॉच है दुनिया गवाह इस मूवी की। तो अगर आप ये देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। खैर तो दोस्तों ये कुछ मूवीज थी जो मैं इस वीडियो के द्वारा रिकमेंड करना चाहता था। आपने इनमें से कितनी मूवीज देखी है मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना, मेरे को जानना है वॉर मूवीज के कितने फैंस हैं हम लोगों में। अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज योर ओनली साइनिंग ऑफ।